हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार मैकेनिकल क्लासेस। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। और फ्रेंड्स मैंने अपने पहले भी वीडियो में अपना पहला यूनिट कवर किया था इंट्रोडक्शन टू एनडीटी पे बेस्ड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक यूनिट दो वीडियो में फ्रेंड्स जो है वो कवर हो चुका था। और आज हम पढ़ेंगे अपने यूनिट टू के बारे में, जो कि जिसका नाम है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, उस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सो फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सो फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा आज के हमारे सेकेंड यूनिट के पहला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द कलर ऑफ फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इज आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स मैं चारों ऑप्शन को दिखा दे रहा हूँ आपको टिक करके, हाईलाइट करके, देन जो सही रहेगा फ्रेंड्स मैं उसको रेड कलर से टिक करता हूँ। ये आपको पहले से ही पता है। पहला ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, नॉन ऑफ एबव। सो फ्रेंड्स इसमें जो सही ऑप्शन है मैं उसको टिक कर दूंगा। ये रहा आपका येलो, ग्रीन इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन हम डिस्कस करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपके पास चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको जो सही ऑप्शन रहेगा उसको आपको टिक करना रहता है फ्रेंड्स। पहला है आपका पोलराइज साउंड वेव इन लिक्विड, मैग्नेटिक डोमेंस, एब्जॉर्बेशन ऑफ एक्सरेज, कैपिलरी एक्शन, नॉन ऑफ हेबब। सो फ्रेंड्स इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। देन हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। देन हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारा क्वेश्चन जितना भी हो रहा है एकेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। और फ्रेंड्स ये थर्ड ईयर और फाइनल ईयर दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज प्लेस्ड इन ए ग्लास ऑफ वाटर राइजेस इन द ट्यूब टू ए लेवल एबव द एडजेसेंट सरफेस, दिस इज कॉल्ड। फ्रेंड्स आपके पास इसमें भी चार ऑप्शन दे दिए गए और चारों ऑप्शन को मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा और जो सही है उसको रेड से। ऑप्शन ए या क्या है आपका? विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन, बोरोमेट्रिक टेस्टिंग, नॉन ऑफ एबव। देन फ्रेंड्स इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर इज योर कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। देन हम डिस्कस करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया। How is the size of liquid penetrant indication usually related to discontinuity it represent? Larger size, smaller size, equal to, not related and none of above. So friends इसमें जो आपका सही ऑप्शन है मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ बस। लार्जर साइज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक करेंगे। देन हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन हमारा ये है फ्रेंड्स, ए पेनिट्रेंट डेट इज सेल्फ इमल्सिफाइंग इज कॉल्ड सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफाइड एंड ड्यूअल सेंसिटिविटी मेथड, नॉन ऑफ एबव। सो फ्रेंड्स इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है मैं उसको टिक कर दूंगा बस, सारे को हाईलाइट करके टिक करूंगा तो आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा। वाटर वॉशेबल इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी को आप टिक कर देंगे। देन हम बढ़ेंगे अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपके स्क्रीन डिस्प्ले पे, पेनिट्रेंट प्रोसेस विच इम्प्लॉय इन इमल्सिफायर एज ए सेपरेट स्टेप इन द पेनिट्रेंट रिमूवल प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफाइड, ड्यूअल सेंसिटिविटी मेथड, नॉन ऑफ एबव। सो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, पोस्ट इमल्सिफाइड इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देन हम पढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने ये करा रहा, अगर इसमें से आपके एग्जाम में ना आए तो फिर आप बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस सारे क्वेश्चन का मैं पीडीएफ का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ऑनलाइन एग्जाम में, ये बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस सारे क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। देन हम फ्रेंड्स आइए अपने अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, ए पेनिट्रेंट प्रोसेस इन विच एक्सेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट रिमूवल, वाटर वॉशेबल, पोस्ट इमल्सिफाइड, ड्यूअल मेथड। और ये आपका चार ऑप्शन है। देन फ्रेंड मैं बता दूं आपको इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है आपका, सॉल्वेंट रिमूवल इसको हम कहते हैं, जो पेनिट्रेंट प्रोसेस इन विच द एक्सेस पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज कॉल्ड योर सॉल्वेंट रिमूवल, ऑप्शन ए को आप टिक कर देंगे। देन हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैपेबिलिटीज ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। आपके पास चार ऑप्शन दे दिया गया फ्रेंड्स और चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे एक बार अच्छे से और जो सही रहेगा उसको आप लोग टिक कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये मैं एक एक को पढ़ दे रहा हूँ, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग यूजफुल लोकेटिंग
सब सरफेस डिसकंटिन्यूटी इन ए टेस्ट पीसेस लिक्विड पेंटेन टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग द डिसकंटिन्यूटी प्रॉस मटेरियल एंड जो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है उसको मैं रेड कलर से टिक कर दे रहा हूँ। लिक्विड पेंटेन टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर लोकेटिंग द डिसकंटिन्यूटी विच आर ओपन टू द सर्फेस इन नॉन पोरस मेटल। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होने वाला। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लॉस करूँगा और फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था कि आपको ऑल ऑफ एबव जो देता है उसमें 85% चांसेस सही है, तो उसमें 15% मैंने ये भी बताया था कि वो नहीं हो सकता, लेकिन उस क्राइटेरिया में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा देन आप टिक कर सकते हैं, आपके चांसेस होने के चांसेस सही होने के ज़्यादा रहते हैं। देन हम फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी टाइप ऑफ द टिपिकली बी फाउंड विथ है लिक्विड पेंटेन टेस्ट। और आपके पास चार ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, इंटरनल स्लैग इन वेल्ड, इंटरनल स्लैग इन कास्टिंग, सैनिटाइजेशन इन आस्टेनिट स्टेनलेस स्टील, फटिक क्रैक्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो फटिक क्रैक है वो बिल्कुल सही है, इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। देन हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट आर नॉर्मली हेल्ड टू मिनिमम इन लिक्विड पेंटेन मटेरियल व्हेन द टेस्टिंग स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम। आपके पास चार ऑप्शन दे दिया गया फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन एंड देन आपका जो है ये रहा ऑयल। सो फ्रेंड्स इसको आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और जो सही रहेगा उसको टिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, क्लोरीन जो आपका ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे, क्लोरीन को आप टिक कर देंगे। और हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फ्रेंड्स हम लोगों ने सेकेंड यूनिट के 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया और 15 क्वेश्चन बचे हैं जिससे हमारा लिक्विड पेंटेंट और मैग्नेटिक पार्टिकल पे बेस्ड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड यूनिट कवर कर लेंगे 2 पार्ट में। सो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पूरा अकॉर्डिंग टू AK2 सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन किया गया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।